लागी का मार्ग ओर है लगे चोट काल जा करके। क्या शुभ नाम बहन जी आपका? मेरा प्रीति। आप कहाँ रहते हैं? गीता बिहार लोनी जिला गाजियाबाद। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए आपको कितना समय हो गया? मैंने 2011 में नाम लिया था, आज मेरे को 5वीं साल चल रही है नाम लिए हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन किन देवताओं की भक्ति करते थे? मेरे को सबसे ज़्यादा शंकर जी पे विश्वास था, इसलिए उन्हीं की उपासना करते थे, सारे व्रत वगैरह करना, जैसे जैसे कोई बताता था बड़ा वैसे वैसे करना, सारा वही करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? मेरी शादी हुई थी वो समाज के अनुसार हुई थी, मेरे परिवार में किसी ने नाम नहीं ले रखा था, मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड है उन्होंने नाम ले रखा था। मैं शादी के मात्र 15 दिन बाद मेरे हस्बैंड थे जो वो आश्रम ले गए थे, उसके बाद जब सत्संग होता है मैंने मना कर दी थी सत्संग, मैंने नाम नहीं लेना इन चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं है। फिर जो सत्संग होता है उसमें ग्रंथ दिखाते हैं, एक एक लाइन लाइन टू लाइन गुरुजी अर्थ बताते जाते हैं, जब मैंने सोचा जब गीता में ये लिखा है तो पंडित जी हमें ऐसा क्यों बताते कि ये देवी ये बड़ी है ये बड़ी है या वो बड़ी है। फिर जब घर पे आके मेरे घर पे भी गीता है, मैंने ना जो जैसे गुरु जी बताते हैं श्लोक नंबर 64 देखो श्लोक नंबर 65 देखो उसमें ये अर्थ है या ये मीनिंग है, तो मैंने उसे पढ़ा, जब पढ़ा तो अच्छा लगा फिर मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नाम दीक्षा आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? सारे लाभ मिले, एक मेरा बेटा हुआ था जो जिसका पैर टेढ़ा था, सारे लोग कहते थे इसका पैर सही नहीं होगा, ये ना तुम्हारे देवताओं ने किया हुआ है, जिसकी तुम पूजा नहीं करते हो उनको देते नहीं हो, हमें मेरे को तो पता नहीं भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो अब मैंने जो सबने मना कर दिया इसका पैर सही नहीं होगा, डॉक्टर ने भी कहा था इसका ऑपरेशन करवाओ वरना इसका पैर टेढ़ा रहेगा ये लंगड़ा रहेगा, फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ। फिर आश्रम पहुँचे, आश्रम में मैंने प्रार्थना की गुरु जी से, गुरु जी बोले सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दो और इसके पैर ऐसे ही अपने आप ठीक होगा। मैंने भक्ति पे ध्यान दिया, मेरे बेटे का नाम भी उन्होंने गुरुजी ने ही रखा था, उसके पैर जैसे जैसे प्लास्टर गुरुजी ने बोला था उस तरीके से करवाते चले गए और अपने आप आज पैर एकदम ठीक है और चलता है वो दौड़ता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ आए हुए, आप देख सकते हो इसका पैर थोड़ा सा अभी भी हल्का सा टेढ़ा है लेकिन ये अब ये बिल्कुल चल सकता है, फिर सकता है, दौड़ सकता है। सबने इस पैर के लिए कहा था कि ये देवताओं की देन है, ऐसे ही रहने वाला है, बहुतों ने बताया गोबर में खड़ा करके इसको राम राम जपो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरे को पता था ठीक नहीं होने वाला, गुरु जी की प्रार्थना से एकदम ठीक है आज, बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे सुख दिए हैं। मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी गृहस्थी अच्छी सी चल रही है, मेरी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो गई है मैक्सिमम, और अब जो गुरुजी ने जैसे एग्ज़ाम थे मेरे लास्ट ईयर मेरा बेटा हुआ था छोटा सा था, पढ़ाई नहीं की थी मैंने, मैंने सोचा था एग्ज़ाम में ऐवे पास होने वाले, तो मैंने हर पेज पे सत साहिब लिखा था और एकदम अच्छे नंबर ला के मेरा रिजल्ट आ चुका है, एकदम पास हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपका क्या विचार है? मेरे विचार ये है कि गुरुजी पूर्ण परमात्मा है, उनसे आज हमें मानव जीवन मिला है, कल पता नहीं हम किस रूप में होते, आज मैंने अपना जीवन तो कल्याण करा लिया है, लेकिन आप भी आओ गुरुजी से दर्शन करो, गुरुजी से नाम दान लो, उन जो वो गुरुजी समझाते हैं, नाम दान नहीं लो पहले समझो, और गुरुजी से समझ चुके हो वो बंदे भी आओ उसे समझो, पढ़ो गीता को पढ़ो ग्रंथों को पढ़ो उसको देखो, उसकी हिंदी पढ़ो, संस्कृत नहीं आती बहुत से मैक्सिमम लोगों को तो उसकी हिंदी भी गुरुजी ने साथ बना रखी, उसे पढ़ो समझो उसके बाद नाम लो, अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, शास्त्रों अनुसार हमें नाम दान दिया जाता है। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को संदेश ये है अगर कोई ग्रंथ आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रहा तो गुरुजी ने एक अपने आप स्वयं सारे ग्रंथों का निचोड़ ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक बना रखी है, पूरी हिंदी में बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में है जो हर व्यक्ति जैसे आम भाषा में बोलता है चलता है जैसे आप समझ सकते हो, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आप पढ़ो से एकदम फ्री पुस्तक है, उस पर नंबर दे रखे हैं, आप उसे उन पुस्तकों को फ्री में मंगवा सकते हो अगर उसे पढ़ो। और साधना चैनल पर 7:40 को हमारा प्रोग्राम आता है जिसमें गुरुजी सत्संग सुनाते हैं, उसके नीचे नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक फ्री मंगवा सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, उसमें आप जब पढ़ोगे पूरा ज्ञान है, जब आप उसे पढ़ोगे तो आपका मन लगेगा मैं अभी जाऊँ और नाम लेकर आऊँ।